सतगुरु श्री गुरु नानक देव जीओ महाराज जिया दे पावन पवित्र जपजी साहिब जी दिया सत पौड़िया दी विचार आप जिया ने सरवण कीती है। अज गुरदेव बख्शिश करते हैं अठवीं पौड़ी जो है सुने है, सिद्ध पीर सुरनाथ सुने धरत धवल आकाश सुने दीप लो पाताल सुने पोह ना सकै काल नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नास। सतगुरु गुरु नानक साहब जी दे नाल साडा संबंध ताई बनेगा जे असी उन्हां दे बचना नू हिरदे दे नाल निम्रता सहित सुनिए उन्हां नू सरवण करिए, क्योंकि हर चीज संसार ते कोई भी ज्ञान है कोई भी काम है किसे ने दसिया जिन्हों आउंदा सी उन्हें दसिया जेड़ा सिख रहा सी उन्हें सुनिया जदो उन्हें सुनिया ते सुनन तो बाद जिवें दसन वाला दसदा सी उन्हें सुन के सुनन वाले ने उसते काम कीता ते सतगुरु साहिब जी दियां ये जो सुनिया दियां चार पौड़ियां आउणगियां इन्हां दा प्रकरण इको ही है भी सुनन दे नाल तो इस अवस्था विच पहुंच सकदा है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने जो जिक्र किया कृपा करके ध्यान दियो जो इत्थे पाठ है वह है सुने सुनिए पाठ नहीं करना नाणे ते सियारी है सुने हैं ते ऐड़े ते दुलावा हन सुने हैं। सतगुरु महाराज जी इत्थे कह रहे ने उस दे नाम नू जे तू सुनेगा ते तेरे अंदर ओ गैबी शक्तियां पैदा होणगियां जिहड़ियां सिद्धां दे अंदर ने। सिद्ध पीर जिहड़े पीरां दे अंदर ने सिद्ध ओ सन। वैसे गुरबाणी दे अनुसार सिद्ध ओ है जो उस स्थान ते पहुंच चुका है। जोगी जदों उस स्थान ते पहुंच जांदा है जिन्हों परम अवस्था कहिंदे ने उदों फिर उन्हों सिद्ध कहन लग जांदे ने भी ये सिद्ध हो गया। ते गोरखनाथ दे जिहड़े चेले सन उन्हां चेलियां नूं भी सिद्ध किया ते जिहड़े पीर लफ्ज़ सतगुरु साहिब ने वरतिया है इत्थे पीर शब्द मुसलमान इन्हां खिते दे नाल इन्हां दे धर्म दे नाल संबंधित ने। जो जगत प्रसिद्ध तुसीं सिद्ध तकदे हो वह 84 सिद्ध ने। सिद्ध योग पंथ दे आचारिया अते गोरख पंथियां दे मन्ने परमन्ने श्रोमणी जोगी ने जिहड़े गोरख दे प्रसिद्ध जोगी ने उन्हां दी जिहड़ी गिणती 84 कीती जांदी है। अते जो पीर लफ्ज़ सतगुरु साहिब ने बख्शिश कीता है मुसलमाना दे जो पीर पूजनीक गुरु हन। पीर शब्द फारसी का शब्द है ते जे इस पीर शब्द का अर्थ फारसी का जे आपां पंजाबी विच करिए ते इहदे अर्थ बनगे उस्ताद वड्डा बजुर्ग सियाणा मुरशद कह लो धर्म दे आचार्य आदि कह लो। पीर तो भाव जो मुसलमाना विच वड्डे सन्मान वाले धर्म गुरु हन। तीसरा शब्द सतगुरु साहिब ने वरतिया सिद्ध पीर। तीजा आ गया जी इत्थे सुर। सुर दा अर्थ है जो स्वर्ग दे वशनीक देवते हन अते नाथ जो सिद्धां विचों मुखी स्वामी करके
नौ नाथ मने गए ने, 84 सिद्ध नौ नाथ। पर सतगुरु जी जदों ज्ञान खंड की पौड़ी भी जाणगे उदों सब कुछ इस तरीके नाल कहणगे भी हजे पकड़ कोई नहीं आया। केतियां बाणी केतियां बाणी केते पा निरंदर केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते। उत्थे कहिंदे केते देवी वेस, किन्ने सिद्ध ने किन्ने बुद्ध हो गए चले गए किन्ने नाथ हो गए। पर हाँ जो गोरखनाथ दे गां चेले मिलदे ने उन्हां दे सिद्ध ने वह 84 ने, ते नाथां दी गिणती है वह 9 मन्नी गई है। सुनिया जे तू सुनेगा, चलो सब तो पहला आप इस तरह कर लेने हैं, सुनिए दे अर्थ समझ आ जाए आप सब नू, मैनू समझ पै जाए ज्यादा। गुरु अमरदास महाराज जी ने कहा तेनू रब ने कन दिते, ये दिते ही तां ने तू सच्चे दी आवाज सुने, सच्चे दा नाम सुने, सीधी जी गल तू सतनाम सुने, ते तू जेड़ा तेरा जन्म होया है ना, ये जन्म तेरा सच्चे दी आवाज सच्चे दा सिमरन सुनन वास्ते होया है। ते आपां कहांगे सुनन नाल की होएगा, गुरु अमरदास महाराज कहिंदे जे तू सुनेगा ना तो तेरा मन भी अरोग होएगा, तेरा तन भी अरोग होएगा, हरिया हो जाएगा। फिर सच्चे पातशाह ने बचन जो हन ए सरवण हो मेरे हो, सच सुनने नो पठाए, सच सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया होवा, रसना रस समाणी, सच अलख विडाणी, ताकि गत कही ना जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो, सच सुनने नो पठाए, सच्चे नु सुन वास्ते पठाए, तेरा जन्म होया है। तू कहना देह दा रोग है, मन दा रोग है, गुरु साहब कहिंदे शरीर लाए सुनो सत बाणी। जिहड़ा बंदा कहिंदा भी मैनूं लोड़ नहीं संगत विच जाण दी, गुरु साहब कह रहे ने शरीर दे कन हन, आत्मा विच एनर्जी है, शरीर जाएगी कन तां पहुंचणगे, ते सरवण भगती तो उदों ही होएगी ना। बाणी नूं सुनन वास्ते करन चाहीदे ने कन चाहीदे है। सतगुरु साहब ने कहा अगली गल, जे तू संगत विच जाना है तेथों बैठिया नहीं जांदा, तू उदास होना है, ते गुरमुखा परताल नहीं, तेरा चित फिर कठोर होएगा, तू सुन नहीं सकदा, गुरु कोले बह नहीं सकदा। क्यों जी? फिर गुरु साहब ने कहा जिनके चित कठोर है से बह न सतगुर पास, उथे सच वर्तदा कुड़ियारा चित उदास। जिथे वर्त सच रहा है, जिन्ना ने कदे सच सुनिया नहीं, झूठ ही सुनिया है, मन झूठ हो गया, मन झूठा हो गया है, ते सच जो सच की आवाज कन विच पैंदी है, संगत विच बैठा कई बंदा उदास हो जाता भी गल की कर रहे है, क्योंकि मन नूं पौंदा नहीं। सतगुरु साहब ने कहा मेरे आ रब्बा, वो मेरे मोहन सोने प्रभु, मेरे ते एक रहमत कर। एक जिहड़ा रब नाल टुटिया बंदा है ना, उहदी आवाज किते मेरे कन विच ना पै जाए, किते गंदा गीत गाया होया मेरे कन विच ना पै जाए, किसे दी धुन जिहड़ी रब नाल तोड़दी होवे उह धुन मेरे कन विच ना पै जाए, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬੋਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹਦੇ ਕੀ ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨ ਗਾਵਤ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਏ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਸੁਣਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ
चंगे विद्वान चंगा प्रचारक जिस प्रचारक दी गुरु प्रति श्रद्धा है ओदे बोल सुनांगे गुरु प्रति श्रद्धा बनेगी। जिहड़ा आप नू प्रचारक सियाणा अखवा रहा कई वारी ओदे बोल सुने हुए मन नू तोड़ के चले जांदे ने। सुनिया होया जोड़दा भी है सुनिया होया तोड़दा भी है। एक बोल ओने जे किन आओ जी तू आओ हमारे पास, एक बोल कह दिते तू आ मना मैं तेरा इंतजार कर रहे हैं। वड्याई दईए चंगे बोल बोलीए ओदे नाल साडे नाल जुड़नगे सारे। जो बंदे नू कह दे यार तू मेरे घरे क्यों आ गया तू मथे क्यों लग गया, जो वह सुनेगा आ मैं तेरा इंतजार कर रहा साडे रिश्ते बनगे। जे असी कहांगे तू मथे किधरों लग गया तू मैनू पसंद नहीं, वह सुन के वह कहेगा भी मैं वाकई तेरे नाल नहीं मिलना चाहता भी तू मेरे बारे आ सोचता है। सुनिया चंगा रिश्ता बनिया, जे उन्हू गलत बोली सुनाई साडा रिश्ता टुट जाता है। गुरु दे नाल भी बस आई रिश्ते ने, जे असी चंगियां नू सुनांगे जिन्हां दे अंदर गुरु नानक प्रति बाणी प्रति श्रद्धा है, जे श्रद्धा वालियां नू सुणांगे इन्हां ते साडा मन गुरु बाणी अंदर ते सिक्खी दे अंदर किवें टिक जाएगा। सतगुरु साहिब ने कहा है कई लोग ऐसे ने ओह ना ही हरजस सुणदे ने ते ना ही हरजस गाउंदे ने, ते गल्लां उन्हां दीआं इहो जिहीआं हुंदीआं ने भी बहुत सियाणा बंदा है। ते कबीर जी कहिंदे गल्लां भी इहो जिहीआं ने, गल्लां दे नाल ओह आसमान थले सट लैंदे ने। हर जस सुनै न हर जस गावै बात नहीं आसमान गिरावै। ना हर जस सुनदा है ना गाउंदा है। एक होर देखियो गाया ताई जाऊगा जे सुनिया जाऊगा। असी चलो अपने उस्तादा पासों पाठ सिखिया, साडी गलती होंदी जिथे ते असी बोलदे ओ सुनदे सी उन्हां नू साडी गलती दा पता लगदा, ओ कहिंदे मना इत्थे गलत है, उन्हां ने सुनिया गलती कढ दित्ती। उन्हां ने जदों कहा भी पाठ शुद्ध इस तरीके नाल कर, उन्हां दी सुनी साडी गलती निकल गई, शुद्ध हो गया पाठ। क्योंकि सुनिया मनिया मन कीता भाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ। अंदर दा तीरथ ताई बनेगा जे तू सुनना शुरू करेगा। सतगुरु जी कहिंदे हर जस जिहड़ा सुनदा नहीं वह गा भी नहीं सकदा, जिहड़ा गा भी नहीं सकदा उहदे गल्लां च ना आ जी उहने गल्लां नाल आसमान थले सट लैणा है ते बनना उह तो कुछ भी नहीं। ऐसे लोगन स्यों क्या कही है जो प्रभ की ये भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रही है। बस उन्हां तो दूर ही रहो जिन्हां दे अंदर गुरु प्रति श्रद्धा नहीं उह तोड़ के चले जाणगे। सतगुरु साहब की बाणी ने कहा कल मैं पढ़दा पढ़दा देखिया सतगुरु तो तुसी कितनी कृपा करदे हो। वह कहिंदे जिहड़े कन्नां दे अंदर रब जी की उस्तत नहीं जांदी ना बाणी दे बोल नहीं जांदे उन्हां कन्नां दे अंदर ना बुझे डुझे ला लिया कर बंद कर लिया कर उन्हां नूं मुंदे ला लिया कर। ते जिहड़ी तेरी जुबान चलदी तां बहुत है पर जे उस जुबान तो गुरबाणी दे लफ्ज़ नहीं निकलदे वाहिगुरु का जाप नहीं निकलता मना इस जुबान दे पता नहीं किन्ने टुकड़े होणगे जुबान तेरी वड्डी जाऊगी। करन ना सुनही नाद करन मुंद कालिया। फिर कहिंदे रसना जपै न नाम तिल तिल कर कट्टी है। जिहड़ी रसना जपदी नहीं उहनू तिल तिल करके निक्के निक्के टुकड़े करके कट दे दा फायदा ही कोई नहीं। जिन्हां कन्नां दे अंदर परमात्मा दे बोल बाणी दे बोल नहीं जांदे उन्हां कन्नां नू मुंदे ता ला लै ये तेरी सुनिया होया किसे काम दा नहीं। इसे करके महापुरुष रोकदे ने भी किते गलत पिक्चर ना देख लियो कोई गलत गीत ना सुन लियो। इहदा अर्थ मैं अगे करदा सतगुरु गुरु अर्जन साहिब ने कहा तू बाणी सुनिया कर बस तू सुनदा रह जे तू सुनेगा ना तू परम अवस्था विच पहुंच जाएगा। ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੱਠੀਆਂ ਤਪਾ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੜੀ ਫਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਇਹ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਨ ਝੂਠਾ ਤਨ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ। ਸੁੱਚਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਕੱਕਰ ਚ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭੱਟੀਆਂ ਤਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਸੁਣੇਗਾ ਬਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਟਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਬਸ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰ ਨਾਥ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। 84 ਸਿੱਧ ਆਏ ਨਾ, 84 ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੁਰ ਸਿੱਧ, ਲੋਹਾਰੀ ਪਾ, ਭੰਗਰ, ਹਾਜੀ ਰਤਨ, ਖਿੰਥੜਾ, ਝੰਗਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਕਰਨ ਜ਼ਾਲਕਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਰ ਨੇ, ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਨਿਰਤ ਹੈ, ਬਿਮਲਕਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੈ, ਨਾਸਿਕ ਹੈ, ਔਗੜ ਹੈ, ਊਰਮ ਹੈ, ਭਰਥਰੀ ਹੈ, ਈਸਰ ਹੈ, ਪਰਬਤ ਹੈ, ਧੂਰਮ ਹੈ, ਜੋਤ ਮਗਨ ਹੈ। 84 ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ 84 ਸਿੱਧ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਸੈਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀਫਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਜੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਨਾਥ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਏਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਪਾਨ ਹੈ, ਧੂਰਮ ਹੈ, ਬਿਮਲ ਜੋਤ ਹੈ, ਸੀਤਲ ਜਲ ਹੈ। 84 ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਥ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ, ਗੋਪੀ ਨਾਥ, ਭੰਗਰ ਨਾਥ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਛਿੰਦਰ ਨਾਥ, ਮੰਗਲ ਨਾਥ, ਚਰਪਟ ਨਾਥ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਘੁੱਗੂ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਘੁੱਗੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਨੌ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਉਸ ਆਖੀਰਲੇ ਨਾਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਘੁੱਗੂ ਨਾਥ, ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨਾਥ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਥ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੀ, ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਰਬਲਾ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਰਬਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 99% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਮਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਹੋਣਾ, ਨਾਥ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹੋ। ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵਾ, ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਰਿੱਧ ਆਖਾ ਆਓ, ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਵੈਸਾ ਲੋਕ ਰਾਖਿਆ ਪਾਓ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕਦਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ
क्योंकि जे बंदे दी खाने च अपने फिट नहीं बहिंदी ना, वह कहिंदे हो ही नहीं सकदा। जदों बाबा जी कह रहे ने गुप्त प्रगट होए बैसा, तद इहदा दिसण लग जावां कितें बैठा बैठा गायब हो जावां। लोक रखिया भाओ, लोग जिहड़े डरन लग जाण भी कदे दिसण लग पैंदा है ते कदे इह गायब हो जांदा है। फिर बाबा जी ने कहा मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवे नाओ। जिन्ना कुछ शक्तियां प्राप्त कर गए तेरा नाम चित नहीं आया ते फिर की फायदा इस सिद्ध बने दा। ते इत्थे सुनना शुरू करो, कहिंदे सतगुरु महाराज कहिंदे फिर चलो एक घटना ला लां मैं। एक कोई फकीर सी, सुनिया होया साढ़े अंदर नूं तृप्त क्यों नहीं कर रहा। बाणी सुनदे गुरुद्वारे साढ़े पिंडां थावां ते उदों दे ने जदों दे सी जम्मे आ, बाणी भी उदों दी चल रही है। हुण नूं तां इह सारियां रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाणियां सी, हुण नूं तां परम अवस्था तक पहुंच जाणा सी, पर इहदे विच इक भेद है क्यों नहीं पहुंच सके। चलो घटना लवां, एक फकीर सी ते ओह पाटियां लीरां कट्ठियां करे ते टुट्टिया होया कच कट्ठा करी जाए। जदों मैं किसी नूं देखदा ना होते कदे लीरां कट्ठियां करे ते कदे टुट्टिया कच, वह जदों करदा कट्ठा कट्ठा कईआं कोले आया ते उन्होंने चंगे कपड़े पाए ते वह कहन लगे किहदे विचारा दिमाग खराब आ पागल होना, भी जिहड़ियां लीरां संभाल रहे है ते टुट्टिया कच कट्ठा कर रहे है, ये रूड़ियां तों तुरिया फिरदा है, ये पागल होना। उन्हों कितने सुन गया, उन्हें कहा पागल मैं नहीं हैगा, पागल तुसी हो, दिमाग तुहाडा खराब है। वह कहिंदे भी लीरां तू कट्टियां करे, टुट्टिया कच तू कट्ठा करे, पागल फिर तू ही है ना, तेरे काम पागलों वाले ने। वह कहिंदा जिहड़े अरसियां बाद कट्ठा करना मैं हुणे ही कर रहा, कहिंदे जिन्ना ते अंदर तुसी खांदे हो ना इन्हां दे भी टुकड़े होणगे, इक दिन करना काहे कुछ ही पएगा। जिहड़ियां तुसी आ पोशाकां पा रखियां ना ये पोशाकां दी लीरो लीर हो जाएगी, इक रहणियां कितने। ते उहदे उहदा ढंग सी समझाउण वास्ते, माड़े करदा है नहीं कोई सी, बस वह जदों सुन लग्या परमात्मा का नाम उन्हें कहा भी वंडना शुरू करी। कई होंगे ने ना भी जिहड़ा शब्द तेनों दसिया खैर गां ना दस दी कि नहीं दसी जिहड़ा तेरे नाल दा है, नहीं गुरमुखो उहनूं दसी जिहड़ा हदे जिहदे तक मन नहीं भतीजे आ, जुड़े हुए तो पहले ही जुड़े ने ना, जिहड़ा जुड़िया नहीं उहनूं शब्द सुनाइए आ सिखा तू नेड़े आ बाणी दे, वितकरा ना करिए किसे नाल। अगला दिन होया उहने एक भांडा लिया, उस भांडे दे अंदर मंगना शुरू कर दिता घरां दे अंदर, ते किसे ने विच नमकीन पा दिता, किसे ने मिठा पाया, किसे ने खट्टा पाया, वह जिहड़ा कुछ टकरिया करे विच सट लिया करे उहदे। ते कई बंदे उहनूं फिर मिले कि कल वाली गल तां कुछ ठीक सी, ये हुण तूं मंगदा फिरना इत्थे सारा कुछ जिहड़ा कुछ टक्करदा ते विच सट लैंदा इहदे, इहदा की परमार्थ है। वह कहिंदे मैं तुहानूं समझा रहा, वह कहते ये विच की समझ है, सारा कुछ पा दिता ना खट्टे का स्वाद आना है ना मिठे का आना है, ये विच की स्वाद आना है। कहते ताइयों मैं तुहानू कह रहा जिन्ना कन्ना दे नाल अल्लाह दी बंदगी सुननी होवे ना उन्ना कन्ना दे कटोरियां दे अंदर जे तुसी विशे विकारी गंदे गीत सटोंगे उन्ना दे अंदर ही गंदियां गालां सटोंगे, जुबान तो गंदा बोलोंगे ते कन्ना थाई गंदा सुनोगे। भांडा एक है हिरदे का, इन्नियां गंदियां मंदियां चीजा विच पा लैने हो फिर कहने हम तो अल्लाह की बंदगी भी करते हैं, कहते विच जे बंदगी दा विच भी पदार्थ पा लिया तो स्वाद फिर कादा होना, खाक स्वाद होना है, विच ही कसैला पा लिया, विच ही मिठा पा लिया, विच ही नमकीन पा लिया, विच ही खट्टा पा लिया, सारा कुछ विच पा के स्वाद किसी का नहीं। जे बाणी का स्वाद लैना है तो होर जिहड़े गीत सुनदे उन्हां नूं सुनना बंद करिए, कटोरा एक है ना। मैनू याद है एक बारी संतां मैनू कहा सी कि बेटा जिहड़े कन्न तेरे ने इस तरीका समझ जिवें लंगर दी देग हुंदी है ते जुबान नूं इस तरीके नाल समझी जिवें लंगर दी कड़छी हुंदी है, कड़छी ने हुण उही वरतौणा है जिहड़ी वड्डी देग दे अंदर है, सगले दे अंदर जिहड़ी चीज हुंदी है जुबान उही वरतांदी है। जे अंदर भांडे वड्डे भांडे दे विच ही गंदियां चीजां ने फिर कड़छी की वरताएगी, गंदी वरताएगी ना। कन्न जिहड़ा सुनणगे जुबान उही वरताएगी, कन्न सिफत सुनणगे जुबान सिफत वरताएगी, कन्न निक्के हुंदिया प्यो दीआं गालां सुनणगे वड्डे हो के इसे कड़छी दे नाल प्यो नूं गालां भी कढ के फिर गालां वरतौणगे, सच है। सतगुरु साहब कहिंदे सुन
एक मैनू चेते आया सतगुरु साहब जी दे वेले ना जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज राम थम्मण जी होए ने, राम थम्मण बाबा बुढ़ा साहब की अंश बंश विचों सन, बहुत बाणी सुनदे रसीए सन बाणी दे। जदों गुरु कलंगीधर महाराज जी का गुरता गद्दी तिलक कीता गया ना, वो तो बाबा राम थम्मण सी। बाबा राम थम्मण ते इन्हें नगर विच रिहा करना, इन्होंने ते इन्होंने जो घोड़ी होवे घोड़ा होवे उहदी सवारी करनी, इन्होंने दोने पासे पैर लत करके नहीं बहिंदे सन, दोने लत्तां जिहड़ियां एक पासे करके सैड होके बहिंदे सन, इन्होंने कदे काठी नहीं वरती, सीधे ब्याह करदे, जिथे जाना उथे चले जांदे। ते इह सुणदे सन बाणी ते सहज सुभाए कोई भी गल इन्हां बोल देनी ना, बस उही कुछ वापर जाणा, इतिहास विच लिखिया है। राम थम्मण जी रहिंदे रमदास धरती धरती ते ने, ते उत्थों जदों आए ना ते किसे ने बुजुर्ग गुजरिया सी किसे दा, ते उन्हां ने वड्डा कीता ते चंगा लंगर लाया, लंगर लाया ते इह उन्हां दे घर चले गए, कि सद्दिया सी उन्हां ने भी महापुरश ने घरे सद्दीए, इह घोड़ी ते चढ़े एक पासे पैर कीते ते उन्हां घर जा उतरे। उन्होंने चलो प्रशादा छकाया, क्योंकि वड्डा गुजरे लंगर चंगा होंदा है। वह जो लंगर छकिया, लंगर छक के हाथ धो के कहिंदे लंगर बड़ा स्वाद इहो जिहा रोज ही होवे। हुण उन्हां दा गुजरिया सी बुढ़ा, वड्डा गुजरिया, कहिंदे लंगर बड़ा स्वाद इहो जिहा लंगर रोज ही होवे। उह सहि सुभाए जदों उहदे बोल निकले ते कहिंदे दूजे कि दिन ही किसे दा भोग पिया होणा उत्थे, कदे किवें मरगां होणियां स्टार्ट हो गईआं। उस तो बाद कहिंदे एवें तां गड्डी नहीं चलनी, कई बुजुर्ग गुजर गए नगर दे अंदर रमदास दे अंदर। उस तो बाद किसी दा घमान सी, किसी दा विआह सी मुंडे दा, उह जदों गए कहिंदे इंज करो उहनां नूं महापुरशां लै के आओ इत्थे लंगर छकाईए। उहनां जदों विआह च आए कहिंदे उत्थे छकण लगे ना ते बहुत प्रकार दा भोजन विआह छक के कहिंदे इह तां उदन नालों भी ज्यादा सुआद है, इहो जिहा तां रोज ही होवे। जदों कि इहो जिहा रोज ही होवे ना, कहिंदे फिर नित नवां शगन होया करे, नित नवां चढ़दी कला दा दिन ते खुशियां दा दिन बीतिया करे। मैं उह नहीं कह रहा, पर हां जो सुनदा है ना सिद्ध पीर सुरनाथ की अवस्था में चला जाता है, जिहड़ा उह सिद्धी नीत नाल कहिंदा है, क्योंकि नीत तां बुरी हुंदी कोई नहीं, जिहड़ा सुनदा है बाणी उह सहज सुभाए कोई भी बचन बोलदा है, भावें मजाक विच भी बोलदा है, बस उहदे बचन बाबा जी कहिंदे सच हो जांदे ने। कदे भी वितकरा बाणी नाल करिए ना, इहनूं सच समझिए। मस्कीन साहब ने एक बचन कीता सी, कहिंदे मैं अमेरिका विच कैलीफोर्निया गया, उत्थे उत्थे जदों गया एक बंदे ने कहिंदे अखंड पाठ साहब करवाया, अखंड पाठ साहब करवाया, तिन्ने दिन उहने उह लंगर चलाए जिहड़े कहिंदे विआह च वी नहीं चला सकदा बंदा। उहने बड़ी सौखी दिखाई लंगर दे अंदर, ते दरबार साहब अंदर नवां कारपेट विछाया सारा। दो हाल सन कहिंदे, एक हाल दे विच अखंड पाठ साहिब हो रहा सी, दूजे हाल दे विच कीर्तन कथा होनी, ते लोग बड़े हजूम बड़ा इकट्ठा होया उत्थे, लोग दूरों दूरों रिश्तेदार सद्दे होने, क्योंकि बंदा लंगर पानी जिहड़ा वध चढ़ के बना रहा है ना, उहदे अंदर श्रद्धा बहुत घट हुंदी है, लोकां नूं दिखाउण वास्ते बणाउंदा मैं लंगर च आ कुछ बनाया, मूंगी दी दाल बना लो, श्रद्धा सच्ची रखो गुरु प्रवान जरूर करेगा, इह सच समझ लो। उहने की करिया इन्ना कुछ कर करा के ना, मस्कीन साहब कहते मैनू उस थां ते अमेरिका गए ने एक महीना हो गया, ते जिद्दे उन्हां दा भोग सी कहते मेरा उत्थे किते जाना बन गया, मैं चला गया उस गुरुद्वारे च, मैं देखिया भी बड़ी ठाठ बाठ नाल लंगर लगा, इन्ना सोहना कारवेट पेट लगा, ते जिहड़ा चलो भोग पिया, भोग तो बाद च जिहड़ा बंदा सी उदास हो गया, मूंह जिहा लटका लिया उहने। मस्कीन साहब पुछण लगे भी इन्ना कुछ तू कर लिया, पाठियां नूं नाम जपन वालियां नूं बाणी पढ़न वालियां नूं तू डूढ़ी माया दित्ती, भी हुण तैनूं की हो गया, तू मूंह एवें किवें कीता। अगों कहते मस्कीन जी मेरा तां भरोसा ही उठ गया गुरु साहिब तां, मेरा तां भरोसा ही टुट गया। उह कहते हद हो गई, तीन दिनां दा रौला पा रख्या इन्ना तूं, तीन दिनां तां ठाठ बाठ नाल लंगर चल रहे ने, या मार कोई कमी कोई नहीं इत्थे, हुण कहना तूं भरोसा टुट गया तेरा। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਾਰ ਗਿਆ।
मैं मुकदमा गया हार ते मेरा गुरु तो भरोसा ही उठ गया। वो कहते बस इन्ना की भरोसा सी, हुण जे ये गल जिन्हें पाठ कराना है वह सुने भी इस तरीके कार्ज रास कोई नहीं आते, मना हार भी जाएगा, ये गल कोई सुने वो सुन दे नाल अंदर टुटेगा ना भी ना ही करिए ना कुछ का चंगा है। नहीं गुरमुखो जो जी नीयत होएगी जो जी सुरत करके करांगे ना वह जा कुछ ही मिली जाना है सानू। सुरत आप मारे असी चंगी रखी, गुआंढियां प्रति सुरत बुरी रखी, लोगों की निंदिया सुन के चा प्रगट होंदा है, जो अपनी निंदिया सुनी तो रोना लगना लग जाता भी किहड़े बंदे ने कहा दस मैनू नाम मतलब उहदे कोले जाके आउणा फिर की हो गया। गुरु साहब कहते देखो सुनना शुरू करो पर इस सुन के अंदर भाव होवे श्रद्धा होवे ते फिर बेटा तू सिद्ध पीर सुरनाथ की अवस्था में चला जाएगा, जेडे हजारां जन्मां तक पहुंच नहीं सके तू उस अवस्था में पहुंच जाएगा। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परमगत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ गुरपुरे का जपया जाप। एक होंदा है गुरपुरे का दर्शन पाए जियो, तू दर्शन पाएगा गुरु साहब दे। सतगुरु कहते सुनिया करो इन्हें सुनन दे नाल अंदर पवित्र होंदा है ते जो सुनेगा ना इस कन्ना दे अंदर केवल नाम पाई गंदे गीत ना गंदी निंदिया ना। एक भांडे विच छकण दी चीज उदो ही रहिंदी जो एक पदार्थ टिकिया रहे, गंदा मंदा सारी चीजा पाओगे स्वाद एक दा भी नहीं आना। नाम का स्वाद तां आएगा जे इहदे अंदर वाकई नाम ही पाईए। गुरु साहब बचाउण काम तो वाशना तो हजूरी विच रखण होईआं बेअंत भुल्लां दी खिमा गलतियां दी माफी। फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।